नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट में एक जो रेंज बाउंड मोमेंट है, लेकिन मार्केट अपसाइड की तरफ ही है। इसको हमें कैसे पहचानना है कि मार्केट अपसाइड की तरफ रहेगा या फिर डाउन साइड की तरफ रहेगा, या फिर मार्केट में एक रेंज बाउंड मोमेंट रहेगी वो भी लाइव मार्केट में? तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप अपने डेटा के बेसिस पे देखेंगे, फिर देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा कल वेडनेसडे, उसमें मार्केट का क्या व्यूज रहेगा, मार्केट का मोमेंट क्या रहेगा, मार्केट अपसाइड रिमेन रहेगा या फिर यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप डेटा के बेसिस पे देखेंगे, जिससे कि हमें एक कंफर्म मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। चलिए, उससे पहले मैं आपको कुछ अपने जो है लेवल वो दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको एक पता चल जाएगा। मैंने अभी एक और लेवल दिया था, लास्ट वाली जो लेवल हमने दिया था कि आपको 17,800 मार्केट टच करेगा, और मार्केट ने उसको टच किया। आप देखें, ये 17,800 का लेवल हमने दिया था और 39,000 का लेवल हमने दिया था, ये दोनों मार्केट टच किया। आप यहाँ जाकर देख सकते हैं, 9 डेज पहले था। तो ये किस बेसिस पे? दोस्तों, एक बार नहीं, ये हमने 4 बार लेवल दिया है और 4 बार हमारा लेवल एग्जैक्ट हिट हुआ है। देखिए, 17,500, 38,200, तो ये सारे हम लेवल यहाँ पे दिए रहते हैं और ये पूरे लेवल हमारा वर्क करता है। कौन से बेसिस पे? आप हमारी ये पूरी वीडियो बैक टेस्टिंग के लिए जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा लेवल हमने ये दिया था कि 17,200, 37,800, उससे भी पहले एक 16,500 का पहला लेवल था। तो ये चारों लेवल दिया है, और ये अभी नेक्स्ट लेवल पे कौन सा मार्केट कहाँ जाएगा, इसको हम पोस्ट करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करके रखें, ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहले पहुंच सके, जिससे कि आप मार्केट के पूरे डायरेक्शन के बारे में जान सके। और अगर लाइव मार्केट में अपडेट पाना चाहते हैं कि लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, तो हमारा फ्री है टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, डाटा स्लाइटली बुलिश नॉट टू शॉर्ट मार्केट टूडे, आई वी सजेस्ट अपसाइड। मैंने यहाँ पे आज का ही अपडेट, देखिए आज का है, टूडे का 95 का बाई नियर 17,770 कम डाउन साइड 928 का, वहाँ पे आया मार्केट ने, उसको रेस्पेक्ट किया, फिर वहीं से एट 17,800 पुट राइटर स्ट्रॉन्ग एक्टिव बुक लॉन्ग पोजीशन, और ऊपर जाके यहाँ पे आई वी सजेस्ट मार्केट रेंज बाउंड, और वहाँ आई शोल्ड प्राइवेट ग्रुप बुक पोजीशन एट 8:30। एक थोड़ा सा मतलब छोटा प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप क्या क्या करना है। तो इस प्रकार पूरे आपको मैक्सिमम डाउन साइड अप टू 780, बाउंस बैक फ्रॉम 780, सी द टारगेट क्लोज लॉन्ग पोजीशन, टारगेट गिवन 820, आई 815 का लगाया था। वहाँ पूरे वहां पे हर एक आपको 10-20 पॉइंट तक भी आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरे चीजें सीखना है कि कैसा होता, तो मेरा 1 सितंबर से देखिए कोर्स स्टार्ट होने वाला है। 1 सितंबर से अभी बैच चल रहा है। आपको एक्सेल सीट बनाने से वहां और पुल आउट डेटा करने से हर एक स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप वहां पे बताया जाता है। तो आप मुझे इस रजिस्टर्ड नंबर पे मैसेज और कॉल कर सकते हैं, अगर आपको कोर्स का रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। चलिए, एक बार हम डेटा पे बात कर लेते हैं कि डेटा पे हमारे क्या पोजीशन बना है बड़े प्लेयर द्वारा। तो ओवरऑल अभी हम आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा देखें, तो आज हमारे क्लाइंट ने क्या किया है, थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर दिया और थोड़ा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया। कल भी यही कर रहे थे, इनको लगता है कि मार्केट और यहां से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इनका देखिए 24,000 से लगभग क्या है 20,000 हो गया, यानी इनका लॉन्ग पोजीशन क्लोज हो रहा है धीरे धीरे। ये हमेशा मार्केट में इनको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अपना लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इन्होंने अपना लॉन्ग पोजीशन क्लोज किया, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया, तो 3,600 इनका आज का अगर मनी फ्लो देखें तो कहाँ पे इनका कुछ पैसा, थोड़ा सा ही पैसा, लगभग 3,600 की एवरेज, जो हमारे फ्यूचर की एवरेज प्राइस, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनका इतना पैसा लगा है क्या है मार्केट को नीचे ले आने में। लेकिन हमारे FII ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे बाइंग किया, 3,800 क्या है लॉन्ग किया है, फ्यूचर में 1,200 शॉर्ट किया है, यानी ओवरऑल बेसिस पे इनका 2,500 क्या है वो लॉन्ग पोजीशन है। तो इनका 2,500 और उनका एवरेज प्राइस पे आप मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, उनका पैसा उतना पैसा आज फ्यूचर में लगा है मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो इनका क्या है 26,600 से 29,000 हो गया क्वांटिटी। आप क्वांटिटी को भी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पैसा लगा है। सिंपल एनालिसिस करिए दोस्तों, ज्यादा टिपिकल एनालिसिस नहीं, आपको मार्केट में अच्छा खासा पैसा मिलेगा। बहुत सिंपल एनालिसिस इस चैनल पर आपको बताया जाता है। अगर आप रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको कितनी इंप्रूवमेंट हुई है या फिर आपकी प्रॉफिटेबल रही है कि नहीं, आप मुझे पर कमेंट करके जरूर बताइए, मैं बता सकता हूं कि आप 100% प्रॉफिटेबल रहेंगे। चलिए, यहाँ पे प्रो ने क्या किया है, प्रो ने ये भी देखिए, प्रो ने लॉन्ग पोजिशन बनाया है, शॉर्ट को क्लोज कर दिया, यानी इनकी भी बुई आज क्या है बुलिस है 2,700 की। तो जो 25,000 था वो 22,000 हो गया है। तो आज के दिन जो 16th है, इसमें हमारे बड़े प्लेयर का मनी फ्लो क्या है बुलिस है, यानी मनी फ्लो पॉजिटिव है उनका फ्यूचर में। और हमारे जो DII ने थोड़ा सा शॉर्ट पोजिशन बनाया है 26,025 से। अब एक बार हम
ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं। तो ऑप्शन में आप देखिए हमारे यहाँ पे जो क्लाइंट है वो क्या किए थे, राइटिंग किए थे, कितना 111,000 इनकी क्वांटिटी राइटिंग पड़ी हुई थी कॉल में। इन्होंने आज पूरे के पूरे क्लोज कर दिया राइटिंग को, मार्केट ऊपर गया तो इनको एक अच्छा खासा लॉस होगा, पूरा क्लोज कर दिया क्योंकि मार्केट ऊपर खुला 78 पॉइंट वहीं पे पूरा रहा। और इन्होंने क्या है पूरे आज बाइंग में आ गए, 7,000 क्वांटिटी बाइंग में आ गए, इनकी कॉल लॉन्ग हो गए। और ये देखिए पुट के तरफ भी इनकी राइटिंग थी, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट के तरफ भी राइटिंग थी यहाँ पे, कैसे हमारे क्लाइंट को प्रॉप जो फंसाते हैं। यहाँ पे आज देखिए अच्छा खासा प्रॉप ने राइटिंग किया होगा, रेंज बाउंड रख के उन्होंने प्रॉप राइटिंग किया होगा। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे इनकी भी राइटिंग पड़ी थी पुट की, ये पूरे देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लोज कर दिया और क्या किया पुट में भी ये बाइंग में आ गए 19,000, यानी कॉल और पुट दोनों की राइटिंग क्लोज करके अभी बाइंग में आ गए। हमारे क्लाइंट क्या एकदम बिना पेंदी के लोटे की तरह, मार्केट जिधर जाता है उसके अगेंस्ट में ये पोजीशन बनाते रहते हैं इधर से उधर इधर। तो आप डेटा को समझिए दोस्तों कि क्या हो रहा है, ये लाइव मार्केट में हम डेटा पता करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे पोस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट एक पूरे इनको लगता ही नहीं एक मार्केट कहाँ जाएगा, ये दोनों तरफ डाउट है। इन्होंने क्या किया थोड़ा सा क्या किया है अभी इनका मनी फ्लो देखें तो क्या है 118,000 हमारे कॉल की तरफ, 107,000 पुट की तरफ इनका पोजीशन बना हुआ है। तो ओवरऑल 19,000 पुट की तरफ इनका नेट पोजीशन पे है और 7,000 कॉल की तरफ है। तो आप इस दोनों पर देखें तो थोड़ा स्लाइटली ये उनको लगता है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, मार्केट नीचे ही जाएगा इनको यहाँ पे लगता है मनी फ्लो में। और इन्होंने फ्यूचर में भी अपना पोजीशन क्लोज कर लिया है। अब एफआईआई देखिए, एफआईआई के पास जो कॉल का लॉन्ग है 1,41,000, इन्होंने आज क्लोज ही नहीं किया, 5,900 ऊपर गया फिर भी इन्होंने क्लोज नहीं किया, 1,35,000 पोजीशन इनके पास अभी भी रिमेनिंग है। यानी इन्होंने इंट्राडे में जो पोजीशन क्लोज किया अपना इंट्राडे में मजे लेके, अभी भी इनका लॉन्ग पोजीशन पड़ा हुआ है। और ये पुट की तरफ थोड़ा सा पोजीशन इन्होंने बाय किया, हल्का सा पोजीशन इंक्रीज किया तो 80,000, यानी ओवरऑल इनकी पोजीशन आज नो चेंज है। और इनकी थोड़ा सा इन्होंने हल्का सा अपना पोजीशन स्लाइटली कम किया है लॉन्ग की तरफ, लेकिन ओवरऑल ये लॉन्ग है। अब यहाँ पे प्रॉप देखिए क्या करें, प्रॉप के पास 30,000 राइटिंग थी कॉल की 30,000, इन्होंने आज 1,12,000 और राइटिंग कर दी, मार्केट को पूरे रेंज बाउंड रख के। मैंने यहाँ पे मार्केट में बताया हुआ था अपने लाइव मार्केट में कि 17,800 पे और 17,700 पे अच्छी खासी राइटिंग हो रही है प्रो की। और यहाँ पे देखिए 1,42,000 इनकी पुट की राइटिंग हो गई, कॉल की इनकी पुट की राइटिंग 1,05,000 पड़ा हुआ था पहले से, 1,14,000 और इन्होंने बढ़ा दिया। ये आपको क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों इतना कैरी करके गए हैं तो 2,20,000 हो गया। तो यहाँ पे इनकी मनी फ्लो कहाँ पे ज्यादा आई है, पहले से तो इनका मार्केट में बुलिश भी था और आज इन्होंने और अच्छा खासा बना दिया। या तो दोनों तरफ इन्होंने राइटिंग किया है, लेकिन ओवरऑल इनका पैसा आप देखिए ये 1,42,000 और यहाँ पे 2,20,000, तो पुट की तरफ ज्यादा इनकी राइटिंग है। यानी इनका जो मार्केट का व्यू है वो बुलिश है, कल भी मार्केट एक बार रेंज बाउंड रखेंगे, ज्यादा ऊपर में नहीं जाएंगे, न्यूज अलग चीज है, लेकिन इनकी कल भी मार्केट में रेंज बाउंड एक रहेगा और उसके ऊपर फिर ये कहाँ क्लोजिंग करते हैं हम लाइव मार्केट में देखेंगे। तो इस डेटा के बेसिस पे अगर हम कहें तो हमारे क्लाइंट मार्केट में क्या है वो उनकी पोजीशन बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में इनकी पोजीशन बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है, 19,000 क्वांटिटी कुछ भी नहीं है और हमारे एफआईआई बुलिश है, ओवरऑल ये स्लाइटली बेयरिश ही है, 19,000 भी स्लाइटली इनका बेयरिश है और हमारे एफआईआई जो है बुलिश है और प्रो भी हमारे मार्केट में बुलिश है, उन्होंने आज दोनों तरफ राइटिंग किया है। तो मार्केट कल बिल्कुल रेंज बाउंड रहेगा, 100% मार्केट कल रेंज बाउंड रहेगा, मैं आपको बता सकता हूं अभी, आप लिख लीजिए कहीं। और ये हमें डेटा भी बता देगा, आप देखिए अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा पर देखें तो यहाँ पे प्रो की जो है पुट की राइटिंग का स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि अच्छा है और हमें डेटा में भी दिख रहा था पुट की उनकी अच्छी राइटिंग हुई है। ओवरऑल आप देखें 1,39,000 कॉल की तरफ, 2,57,000 पुट की तरफ, यहाँ पे देखिए ये पुट की राइटिंग हुई। मार्केट में हमें जो हमारा इंडिकेटर है वो भी बता रहा है कि रेंज बाउंड रहेगा, ये हमारा जो इंडिकेटर है वो चेंज होता रहता है, ये मार्केट में हमें बता रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट रहने वाला है कल भी, 17,800 के पास मार्केट है और आईबी भी हमें वही सजेस्ट कर रहा है जो आईबी प्रोबेबिलिटी है कि उसी के पास मार्केट रहना है। तो एक बार हम अगर एटीएम के पास पोजिशन देखें आपको, तो एटीएम के पास पोजिशन क्या बन रहा है इससे हमको थोड़ा मार्केट का और डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो आप देखें कि दोनों तरफ यहाँ पे 17,800 के पास जो है एक अच्छा खासा राइटिंग किया गया है प्रो के द्वारा, ये पूरा। और यहाँ पे जो हमारे राइटिंग किए थे क्लाइंट ने, उन्होंने बाय किया, तो उन्होंने अपना पोजीशन क्लोज किया, ये पूरे राइटिंग किया गया वो हमारे प्रो के द्वारा है, हर एक प्राइस स्ट्राइक प्राइस। और पुट की तरफ 17,700 17,800 यहाँ दोनों तरफ देखिए, यहाँ 82,000 यहाँ पे भी, तो यहाँ अभी 1,00,000 इनका पोजिशन हो गया, वहां पे 1,77,000 होगा। तो 17,800 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सपोर्ट का भी काम कर रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या है वो ज्यादा है, रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ ज्यादा है,
तो कौन सा लेवल टूटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा उसको हम प्राइस एक्शन पर भी देखेंगे। लेकिन डेटा हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो पुट की राइटिंग किया गया है उनका स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा है, मार्केट नीचे नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट एक्सपायरी का देख लेते हैं, यानी इसी आपको निफ्टी में भी नेक्स्ट एक्सपायरी का कि हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। जो मंथली एक्सपायरी है 25th का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 49,000 पोजीशन बनाएगा पुट की तरफ और यहाँ पे सिर्फ 7,000 पोजीशन बनाएगा और इसका रेशियो आपको 8.7 का दिखा रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहा है कि मार्केट नीचे बिल्कुल ही नहीं आना है। आप देखिए इन द मनी पूरा पोजीशन यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ कोई भी इन द मनी पोजीशन क्लोज नहीं हुआ है। 17,800 पे 21,000 पोजीशन आज फ्रेश बनाया गया, इससे पहले पोजीशन यहाँ पे नहीं था और यहाँ पे 10,000 पोजीशन बनाया गया। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा इनको एक अच्छा खासा पेन होगा। तो डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है वो हमें बुलिशनेस की तरफ ही इशारा कर रहा है। जो हमारा प्रोबेबिलिटी भी आपको 18,000 टच करने की प्रोबेबिलिटी है, आप देखें 33%, यानी यहाँ पे मंथली में हमें ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर ही रहना है। बैंक निफ्टी का भी आपको देख लेते हैं अभी, अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ बैंक निफ्टी का। दोस्तों देखिए, अगर आप हर एक डेटा को अच्छे से कोरिलेट करेंगे तो मार्केट बहुत ईजी है, मार्केट रियल में हलवा है। अगर आपको डेटा रीडिंग करने आता है तो आप डेटा पर फोकस करिए, धीरे धीरे आ जाता है। आपने वो सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, तो आप अभ्यास करिए, डेटा पे अभ्यास करिए। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पूरा ये पोजीशन क्लोज हुआ है हमारे जो है बैंक निफ्टी में, और पुट की तरफ कोई पोजीशन क्लोज हुआ नहीं, इन द मनी आउट ऑफ द मनी कहीं पे भी पोजीशन क्लोज नहीं हुआ है। 22,000 यहाँ पे, 18,000 यहाँ पे पोजीशन बनाया गया है। प्रोबेबिलिटी हमें 39,000 टच करने की दिखा रहा है, 39,000 आपको 200 के पास मार्केट ही है, तो इसी के पास अभी मार्केट रेंज बाउंड रहना है। ये हमें बता रहा है कि रेंज बाउंड ही मार्केट रहेगा, लेकिन डेटा स्लाइटली हमारा मंथली का बुलिश है। अभी हम इस जो है वीक एक्सपायरी होना है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं फिर हम आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। तो 18th में आप डेटा जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 18th का डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप देख लिए कि जो कॉल की तरफ पोजीशन 1,27,000 बनाया गया है और पुट की तरफ 1,57,000 बनाया गया, यानी आपको यहाँ पे जो पुट राइटर है वो भी बुलिश ही है। आज जो फ्रेश पोजीशन बनाया गया और हमारा आईबी का प्रोबेबिलिटी 39,500 टच करने का थोड़ा सा दिखा रहा है आपको 30%। तो ओवरऑल आपको मार्केट में रेंज बाउंड ही रहना है, ये जो है आपको रेंज बाउंड दिखा रहा है। डेटा के बेसिस पर आप देखें 39,400 के पास, 39,400, 39,300 के पास ये पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है थोड़ा। लेकिन आप देखें तो यहाँ पे प्रेस इन द मनी पोजीशन बनाया गया, ये एक बहुत बड़ी बात है, चौंकाने वाली बात है कि डेटा यहाँ पे कहाँ पोजीशन बन रहा है, यानी जो भी यहाँ पे राइड कर रहा है उसको कॉन्फिडेंट है कि इस वीकली का एक्सपायरी आपको 39,300 के ऊपर ही होगा, ये उसको कॉन्फिडेंट है। बाकी कल का डेटा देखते हैं हम कि क्या होना है, लेकिन ये कभी भी पोजीशन क्लोज नहीं है। तो ये हमें बैंक निफ्टी का भी डेटा बुलिश इंडिकेट कर रहा है। चलिए एक बार प्राइस एक्शन देखते हैं। तो ओवरऑल अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो हमें लॉन्ग होना है 17,850 के ऊपर, यहाँ से 25 के ऊपर 940 का टारगेट, 18,000 का टारगेट, 18,080 का टारगेट रहेगा, यानी इस रेंज के ऊपर होगा तभी हमें लॉन्ग होना है प्रेस हमारा। लेकिन BW में BWP ये दोनों हमारा थोड़ा नीचे बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए अभी शॉर्ट होना है 17,600, ये स्विंग को ब्रेक करेगा तो हमें शॉर्ट हो जाना है, इस स्विंग को शॉर्ट कर हो जाना है। मार्केट में 17,700 का टारगेट रहेगा, 630 का टारगेट रहेगा, 520 का, 17 वही हमारा आपको टारगेट रहेगा निफ्टी का लेवल के, इस लेवल पे आप ट्रेड करिए। अब हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखें कि 15 मिनट के चार्ट पे एक जो है सिमेट्रिकल टेंगल का पैटर्न बना हुआ है, बैंक निफ्टी इसको बिल्कुल फॉलो करा और ये उसके ऊपर वाले में है। तो यहां से जैसे ये ब्रेक करता है एक अच्छा खासा लगा 39,500 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। तो 39,280 के लेवल को जैसे ब्रेक करेगा टारगेट, 39,460 का टारगेट, 580 का टारगेट और 800 का टारगेट, ये हमारा टारगेट रहेगा तीन। लेकिन जैसे 39,150 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें शॉर्ट हो जाना है, टारगेट 38,960 का, 38,840 का, 38,600 का, ये हमारा टारगेट रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ओवरऑल आप देखें कैश में FII ने एक अच्छा खासा आज भी बाइंग किया है लगभग, तो ये कंटिन्यूस अभी बाइंग कर रहे हैं लगभग 1400 करोड़ का। तो डेटा आपके सामने है दोस्तों, सब कुछ एनालिसिस आपके सामने है कैश फ्यूचर एंड ऑप्शन का, और हमने अपने पूरा व्यूज बता दिया कि मार्केट में क्या रहने वाला है कल। डेटा के बेसिस पे आप ट्रेड करिए, एक अच्छा खासा आपका मुनाफा होने वाला है, नहीं आप ऐसे तुक्का ट्रेड करेंगे दोस्तों तो आपका पैसा लॉस होने वाला है, पैसा आपका है। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि डेटा पे ही फोकस करिए ताकि आप मार्केट में पैसा कमा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको अपना कीमती समय देने के लिए और इस चैनल को ग्रो करने के लिए, सभी आप लोग सहयोग कर रहे हैं मुझे 100% ये अनुभव है और ये मुझे दिलाता है
कि आप लोग 100% सहयोग करते रहेंगे ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाई सेल या होल्ड का पोजीशनिंग क्रिएट न करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उन्हीं सलाह के बाई सेल होल्ड करें। और इस वीडियो को एक बार अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही और मनोबल के साथ आपका जो है सहयोग करता रहूं और ये हमारी जो है डेटा आप तक पहुंच सके, क्लाइंट मार्केट में जो लॉस करते हैं, हम लोग जो मार्केट में लॉस करते हैं वो बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।